गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद जो है तकरीबन 21 डेज के बाद आज मैं मॉर्निंग वॉक पर सुबह नहीं जा पाया। पता नहीं कल वॉक करने के दौरान शायद कुछ पेन गलत रखा गया, तो जो है नी में थोड़ा पेन मुझे हो गया। तो अब जो है मुझे एक दो दिन मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। पर मैंने एक बात गौर की है कि 21 डेज मैंने कंटिन्यूस फॉलो किया वॉक करने को, मतलब मैंने तकरीबन 11-12 किलोमीटर रोज वॉक किया मैंने। और मैंने गौर किया कि आफ्टर 20 डेज, जब हैबिट फॉर्मेशन की बात आती है, तो आफ्टर 10-15 दिन के बाद में शुरू के 5-7 दिन जब मैंने वॉक करना शुरू किया, मुझे बड़ा आलस आता था। ऐसा लगता था कि अरे यार बहुत ज़्यादा है, तो ना नहीं करते, कम करते आज। और मन हर बार कोई ना कोई बहाने ढूंढता था कि आज ऐसा करके स्किप करते, कल वैसा करके स्किप करते, तो मतलब कोई ना कोई बहाना मन के अंदर हुआ करता था। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, एक बार जो सोच लिया है तो करना है, मतलब करना है। तो जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर जो वॉक का मैंने कितना किलोमीटर वॉक किया, कितना स्टेप चला, जो फोटो मैंने शेयर किया, उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरे ऊपर रहा कि नहीं भाई मुझे करना है। तो मैं 10 दिन 12 दिन 15 दिन उसको फॉलो किया। और आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आज मुझे जो है वो 22nd ऑफ डे है, आज मॉर्निंग वॉक पर मैं नहीं गया तो मुझे खाली खाली लग रहा है, मन में अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है जो मुझे करना चाहिए था। और मैंने सोचा कि शाम को थोड़ा नी कैप लगा के थोड़ा आसपास वॉक करेंगे, फिर मन में लगा कि नहीं यार हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक आध दिन रुक जाएंगे तो कोई बुरा नहीं। लेकिन ये कि अब पर मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हैबिट फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, या कोई भी काम ऐसा जिसको हमको ऐसा लगता है कि यार हमसे अभी नहीं बनेगा, आप सिर्फ हिम्मत करके आप 21 डेज फॉलो कीजिए। 21 दिन 3 वीक आप हिम्मत कीजिए, मैं कह रहा हूं 22वें दिन आपका शरीर, आपका दिमाग खुद आपसे बोलेगा कि ये करना है, खुद आपसे बोलेगा। ये होती है हैबिट फॉर्मेशन का तरीका। और ये मैंने खुद कर देखा है, पहले मैंने अपने ऊपर अपनाया, मैंने सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप 20-21 दिन फॉलो कीजिए कोई शेड्यूल को, कोई चीज को। शुरू में आपको जो है एक दो दिन तो आप उत्साह में कर लेंगे, फिर रिपल्सन आएगा, फिर आप बहाना ढूंढेंगे, फिर लगेगा नहीं कोई मतलब नहीं ऐसा करने का। तो उससे ये होगा कि आप यदि उस समय को आप टाल गए आप, और आप 21 दिन का आपको पता है कि मुझे इतने दिन करना है, 22वें दिन आपको बता रहा हूं मैं आप खुद करने लगेंगे। तो है अच्छी आदतें हम बना सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों ने मुझसे एक चीज पूछी कि सर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो हमेशा कोई रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो कोई भी, वहाँ पे लोग असंतुष्ट रहते हैं, एक दूसरे से जो है लोगों को ऐसा लगता है कि वो डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपको एक बात बताऊँ मैं कि संदेह का, डाउट का और सामने वाले की इस फीलिंग का कि आप अपना 100% नहीं दे रहे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वो व्यक्ति खुद। चलिए मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे समझाता हूँ, मैं आपको छोटी सी कहानी बतलाता हूँ। एक बार दो छोटे बच्चे होते हैं जो पार्क में खेल रहे होते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होती है, 5-6-7 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पार्क में वो खेल रहे होते हैं। तो एक जो लड़का होता है उसके पास में जो है वो कभी कहीं गए होंगे समुद्र के किनारे कहीं गए होंगे, तो बढ़िया अच्छे से जो है जो मार्बल होता है छोटे छोटे पत्थर गोल गोल, आप कभी देखना मुंबई भी अभी कभी आप आएंगे तो समुद्र के किनारे गोल गोल से पत्थर मिलते हैं, स्टोन मिलते हैं, तो समुद्र में जो कट जाते हैं तो बड़े सुंदर से स्टोन आते हैं। तो ऐसे कुछ स्टोन वो रखा होता है लड़का, उसके 15-20 कुछ स्टोन होते हैं, और वो लड़की जो होती है उसके पास कुछ अच्छी सी चॉकलेट्स होती हैं। तो वो देखता है, वो सोचता है इसके पास अच्छी चॉकलेट्स हैं, वो लड़की देखती है इसके अच्छे स्टोन्स हैं। तो दोनों बच्चे जो है आपस में ट्रेड करते हैं, बोलते हैं कि वो लड़की बोलती है कि मुझे मेरे को है ना तुम अपने स्टोन मेरे को दे दो, मैं तुम्हें अपनी पूरी चॉकलेट दे दूंगी। तो लड़का बोलता पक्का मैं अपने पूरे स्टोन तुमको दूंगा और तुम पूरे चॉकलेट मेरे को दे दोगी। लड़की बोलती हाँ ठीक है। तो वो आपस में बदल लेते हैं। अब लड़की स्टोन लेके घर जाती है, लड़का चॉकलेट लेके घर चला जाता है। लेकिन लड़के ने एक काम किया, उसने है ना एक सबसे अच्छा स्टोन, जो सबसे अच्छा स्टोन था एक, उसने वो अपने पॉकेट में छुपा लिया। जब उसने बाकी स्टोन दिए तो उसने एक अच्छा वाला स्टोन जो सबसे सुंदर था उसने अपने पॉकेट में रख लिया, बाकी सब स्टोन लड़की को दे दिए। अब लड़की को तो पता ही नहीं था कि कोई अच्छा स्टोन भी था इसके पास में जो पॉकेट में रख लिया इसने, ठीक है। लड़की अपने घर जाती है, स्टोन दिखाती पेरेंट्स को, और घर जाके वो उसको खुशी खुशी वो अपने सो जाती है। छोटे बच्चे रात हो गई सो गए अपना खुशी, कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं। के लड़का जो है वो अपने घर जाता है, मम्मी को दिखाता है, मम्मी को चॉकलेट मिली है, कैसे मिली वहाँ पूछती, बताता है कैसे स्टोन मैंने बब दे दी अपने, कोई बात नहीं। क्या बच्चे करते हैं ऐसा ट्रेंड। लेकिन लड़के को नींद नहीं आती, लड़का टेंशन में रहता है वो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मन मन में कि बोला कल मैं जाऊँगा जब तो मैं है ना चिंकी से बात नहीं करूँगा,
मैं चिंकी से, मन फिर सोचता है मैं चिंकी से बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चिंकी ने एक अच्छी चॉकलेट अपने पास छुपा ली होगी, चिंकी ने एक अच्छी चॉकलेट अपने पास छुपा ली होगी, जैसे मैंने अच्छा वाला स्टोन उसको नहीं दिया, 100% उसने अच्छी वाली चॉकलेट अपने पास छुपा ली होगी, और इसका मतलब वो अच्छी चॉकलेट का मजा मैं नहीं ले पाया और चिंकी से मैं कल से बात नहीं करूंगा। अब आप बताइए इस पूरी कहानी में से क्या समझ में आया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि वो लड़का खुद ऐसा करता है इसलिए उसके मन में इस बात का संदेह है कि सामने वाले ने भी ऐसे ही किया होगा, ये उसके मन में संदेह। मेरे को कई बार लोग पूछते हैं कि आप जो बायोमेंटर्स का आप जो है वो लेक्चर्स डाल देते हैं पूरा यूट्यूब पे, आप सबके लिए लेक्चर्स फ्री कर रखे हैं आपने, क्या क्या मिलता है आपको, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्या आपको मतलब क्या एडवांटेज आपको मिलता है, मतलब कितना कमा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, ऐसा आप इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप मेरी जगह होते तो शायद से आप ना करते, आप मेरी जगह होते तो आप इसको बहुत सारा इनकेश करने का सोचते, क्योंकि ये चोर मेरे मन में नहीं है, ये चोर सामने वाले के मन के अंदर है, जो ऐसा क्वेश्चन करता है उसके मन के अंदर है। अरे बात इतनी सी है कि निश्चित की कोई किसी ने बोला कि सर का कोई बड़ा स्वार्थ होगा, जाहिर सी बात है बिकॉज सामने वाला व्यक्ति जो सोच रहा है वो स्वयं स्वार्थी है, तो उसको लगता है कि मेरे उसके आईने से ही पूरी दुनिया उसको दिखाई पड़ती है, मैं क्या सोचता हूँ मेरा पर्सपेक्टिव क्या है ये उसको मालूम नहीं है, लेकिन उसको उसका पर्सपेक्टिव मालूम है कि यदि वो मेरी जगह होता है किसी के और की जगह होता है तो कैसा व्यवहार करता है। तो हमारे अपने प्रतिबिंब हम लोगों में ढूंढते हैं, तो जब आपको लगता है ना कोई 100% नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपको मैं क्लियर कर दूं आपको कि आप भी अपना 100% नहीं दे रहे हैं, तभी आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, सच्चाई है, बात कड़वी है पर सच्ची बात है। इसलिए कभी भी मैं कहता हूं आपसे कि गोल्डन रूल इन एनी रिलेशनशिप इज दैट गिव योर 100%, चाहे वो आपके पेरेंट्स से हो, फ्रेंड्स से हो, गिव योर 100% एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, मत भूल मत सोचो, ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, जजमेंटल मत होइए, एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप सिर्फ एक व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है स्वयं से अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए और दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सपेक्ट कीजिए अपने आप से। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।